तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एचपी टेट प्रिपरेशन पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको जो जो JOAIT के क्वेश्चंस आए थे उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है बाय यूजिंग ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करते हैं इनमें से। व्हाइल प्रिंटिंग मोर देन वन कॉपी ऑफ अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर हमने एक से ज़्यादा कॉपी निकालनी है किसी पेज की। ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है स्पूल, नेक्स्ट ऑप्शन है कोलेट, अगला ऑप्शन है डुप्लेक्स एंड आखिरी ऑप्शन है शॉर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलेट। अगला क्वेश्चन है एंटरिंग द नंबर जीरो इन अ सेल इन एक्सेल सीट एंड फॉर्मेटिंग इट एज डेट विल शो। अगर हम कोई ज़ीरो ऐड करते हैं, ठीक है, किसी सेल में और उसको फॉर्मेट कर देते हैं उसकी डेट को, तो वो क्या शो करेगा। पहला ऑप्शन है January 1, 1970, बी इनवैलिड डेट, सी January 0, 1990, डी January 1, 1900। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, January 0, 1990। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द लेटर आर मीन्स इन CDR डिस्क। जो ये CDR है इसके अंदर ये आर क्या शो करता है। पहला ऑप्शन है रीराइटेबल, सेकंड है रिड्यूस्ड, थर्ड है रिकॉर्डेबल एंड फोर्थ वन इज़ रीड ओनली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डेबल। अगला क्वेश्चन है विच लेयर इन TCP/IP नेटवर्क यूजेस सेगमेंट एज अ ट्रांसफ़र यूनिट। हमने शुरू में डिस्कस किया था TCP/IP मॉडल, इस जो सीरीज शुरू की थी पहला क्वेश्चन तो था उसी में TCP/IP नेटवर्क लेयर के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको सारी लेयर्स बताई गई थी। अब इसमें ये बता रहा है कि किसी भी अलग अलग लेयर्स का अलग अलग फंक्शन होता है, तो वो कौन सा लेयर है जिसके अंदर जो ट्रांसफ़र करते हैं हम, ठीक है, वो सेगमेंट के फॉर्म में यूनिट ट्रांसफ़र होती है। तो पहला ऑप्शन है TCP/IP, सेकेंड है फिजिकल लेयर, थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर एंड डी है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, TCP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ अ कम्युनिकेशन मोड इन विच द बोथ सेंडर एंड रिसीवर में ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। वो कौन सा कम्युनिकेशन मोड है जिसमें अगर एक बंदा यहाँ है और एक यहाँ है तो दोनों में इक्वली ट्रांसफ़र होंगी बातें। पहला ऑप्शन है हाफ डुप्लेक्स, नेक्स्ट इज सिंप्लेक्स, थर्ड इज़ फुल डुप्लेक्स एंड फोर्थ वन इज सीरियल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फुल डुप्लेक्स। अगर कोई दो बंदे हैं उसमें से अगर एक ही बात कर रहा है, एक ही बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, तो वो क्या कहलाता है, हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, याद रखना इसको। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर। अगर हम प्रिंटर की स्पेसिफिकेशंस लेते हैं, कोई भी प्रिंटर हम लेते हैं, ठीक है, चाहे वो मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, ठीक है, या फिर लेज़र जेट है, जो भी है, तो उसके अंदर कौन सी उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में नहीं आती। पहला है डुप्लेक्सिंग, थर्ड है DPI, फोर्थ है PPM एंड डी है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रास्ट रेशियो। ठीक है, प्रिंटर में कभी भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो का स्पेसिफिकेशन नहीं ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास एन एस्केप सीक्वेंस बिगन्स विद अ डैश करेक्टर इन सी। जो सी लैंग्वेज होती है अगर उसके अंदर हम एस्केप सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं तो हम कौन सा करेक्टर यूज़ लेते हैं। पहला आ गया डॉलर, नेक्स्ट आ गया फॉरवर्ड स्लैश, थर्ड आ गया बैक स्लैश या फिर परसेंटेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैक स्लैश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द लेटर सी स्टैंड्स फॉर CMYK कलर मॉडल। CMYK कलर मॉडल में सी क्या स्टैंड करता है। पहला ऑप्शन है क्यान, सेकंड है क्रीम, थर्ड है क्रिम्सन एंड फोर्थ वन इज चेरी। ठीक है, श्यान। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, श्यान। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जो एड्रेस ऑपरेटर होता है इसमें से कौन सा सिंबल उसे डिनोट करते हैं। पहला है डॉलर, नेक्स्ट है एस्ट्रिक, थर्ड है एम्परसेंड एंड फोर्थ वन इज कैरेट। तो सी लैंग्वेज में एड्रेस ऑपरेटर डिनोट करते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, एम्परसेंड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम किस में मेजर करते हैं। पहला ऑप्शन है KBPS, नेक्स्ट है सेकेंड, थर्ड है हर्ट्ज एंड फोर्थ वन इज एम्पियर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से मेजर करते हैं, सेकेंड्स हम टाइम लेते हैं, KBPS क्या है,
किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है, एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, आप इसका आंसर ज़रूर दे बताइएगा, केबीपीएस में हम क्या मेजर करते हैं। ठीक है, एक एमबीपीएस भी होता है। व्हाट इज़ द लाइनेक्स कमांड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस, वो कौन सी लाइनेक्स कमांड होती है जो डिस्प्ले करती है जो प्रोसेस इस टाइम चल रही है। पहला है PROC, सेकेंड इज़ LP, थर्ड वन इज़ 1S एंड फोर्थ वन इज़ PS। तो इसका जो सही उत्तर आपने ये याद कर लेना है PS। अगला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इन टू IP एड्रेस, कौन सा नेटवर्क सर्विस होती है जो ह्यूमन रीडेबल जो डोमेन्स होती हैं उनको क्या करता है, रिजॉल्व करता है, ठीक है, IP एड्रेस में। पहला है DNS, सेकेंड है SNMP, थर्ड है DHCP एंड फोर्थ वन इज़ ICMP। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में से कौन सी है। पहला ऑप्शन है फाइलजिला, सेकेंड इज़ वायर शार्क, थर्ड इज़ थंडरबर्ड एंड फोर्थ वन इज़ मोजिला फायरफॉक्स। तो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सी है इसमें से, थंडरबर्ड, ठीक है, जो हम लोकल मतलब किसी बिल्डिंग में हम अपने मतलब एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर, वो कौन सी संस्था है जो IP एड्रेस का एलोकेशन करती है पब्लिक IP एड्रेस में। ठीक है, पहला है IEEE, नेक्स्ट इज़ IETF, मेरे हिसाब से ये IEEE होगा, ठीक है, IETF, नेक्स्ट इज़ W3C वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम एंड नेक्स्ट इज़ IANA। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, IANA। नेक्स्ट है, व्हाट डज GPL मीन इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, GPL की फुल फॉर्म क्या होती है, GPL का मतलब क्या है फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में। फर्स्ट है GNU प्राइवेट लाइसेंस, सेकेंड है GNU प्रोटेक्टिव लाइसेंस, थर्ड इज़ GNU पब्लिक लाइसेंस एंड फोर्थ वन इज़ GNU प्रोग्रामिंग लाइसेंस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, GNU पब्लिक लाइसेंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, इसमें से कौन सा वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। पहला ऑप्शन है CDE, नेक्स्ट है BCD, थर्ड है EFG एंड फोर्थ वन इज़ DEF। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, EFG, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास में हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल मतलब 16 तक आता है, ठीक, 11 के बाद स्टार्ट होता है ABCDEF, एफ तक चलता है, ठीक है ना, A to F हेक्साडेसिमल में, ठीक है, याद रखना आपने इसको। अगला क्वेश्चन है, द मोड्यूलो ऑपरेटर इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग डैश सिंबल इन सी लैंग्वेज, जो मोड्यूलो ऑपरेटर होता है सी लैंग्वेज में हम उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं। पहला है फॉरवर्ड स्लैश, नेक्स्ट इज़ कैरेट, थर्ड इज़ एक्सक्लेमेशन एंड फोर्थ वन इज़ परसेंटेज। तो इसका सही उत्तर है परसेंटेज से हम मोड्यूलो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर नॉर ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन मीन्स नॉट एंड और, ठीक है, दैट इज़ नॉर, ठीक है, इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मान लेते हैं ए और बी है, अगर हम ये हमारा एक हम मैं अभी यहाँ पे इसको ज़रा मिटा देता हूँ पहले, ठीक है, मैं एक पेन ले लेता हूँ पहले, ग्रीन कलर ले लेते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई गेट है, ये और है और ये नॉट है, ठीक है, इस पे दो इनपुट आ रही है हमारे पास में, एक है ए और एक है बी, ठीक है, यहाँ पे आएगी आउटपुट, ठीक है, अगर हम दोनों फॉल्स देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉल्स, बट और ये नॉट चेंज होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रू, ठीक है, इसी तरह अगर एक फॉल्स एक ट्रू होगी तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू, और आउटपुट में क्या मिलेगी, फॉल्स, इसी तरह एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो फॉल्स मिलेगा एंड ट्रू ट्रू होगा तो फॉल्स, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखा जाए और का टेबल, और में क्या होता है हमारे पास में, फॉल्स फॉल्स क्या होता है हमारे पास में, फॉल्स होता है, ठीक है, बाकी सब क्या होता है उसमें, ट्रू होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ अगली वीडियो में इसके साथ में ही, तब तक के लिए धन्यवाद।